हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रघुवीर सिंह और आज मेरे पास है बजाज चेतक न्यू जो कि अब तक की पॉपुलर गाड़ी है, इंडियन वेरिएंट है और मैं इसका आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस और अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं इसको चला रहा हूँ। मैंने इससे पहले ओला S1 चलाई है, इसके बाद S1 Pro चलाई है, अभी मेरे पास जो चेतक है जो कि करीबन मैं 10 दिन से चला रहा हूँ और ये गाड़ी करीब करीब चल चुकी है 6000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर में मैं इसके टोटल डिटेल रिव्यू जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने बाकी स्पेसिफिकेशन तो सारे के सारे यूट्यूब गूगल में भरे पड़े, बट जो जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी। और अगर मैं इसको एज ए कंपेयर करूँ किसी और ईवी से तो मैं इसको बहुत बेटर और अच्छी गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज और लुक वाइज भी मैं इसको अच्छी कंसीडर आपको बताऊँगा, कंसीडर करूँगा और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये गाड़ी आप ले सकते हैं। इसके अंदर रिवर्स कंट्रोल सिस्टम है, ड्राइविंग मोड है, बूट स्पेस है, ये बूट स्पेस है, ये फ्रंट बूट है और इसका मेन बूट जो है, मेन बूट ओपन करने के लिए हमको इसको रिवर ये जो बूट स्पेस है उसको टैप करके रखना पड़ता है, ऐसे खुल जाता है। बड़ा बिग साइज बूट है और यहाँ पे हमको एक LED मिल जाती है, ये है चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग में डालने के बाद बूट को बंद भी कर सकते हैं, इसको ये जब तक बूट ऑन रहेगा तब तक इसमें एक बीप साउंड आएगा। लेग रेस्ट काफ़ी अच्छे हैं अगर कंपेयर करूँ दूसरे दो तीन गाड़ियों से, तो इसके बेटर मुझे परफॉर्मेंस दिखते हैं। दोनों डिस्क ब्रेक हैं फ्रंट एंड बैक और अगर यहाँ पे देखें तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि जहाँ अपने इंडिया में लेडीज़ के लिए बैठने के लिए फुट रेस्ट बाकी जितने भी ईवी इस गाड़ी में नहीं है अलग से डलवाना पड़ता है, बट इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है फुट रेस्ट दोनों साइड में है। ये फिर पीछे का लुक देखें तो अगर इसको हम बजाज चेतक पुरानी वाली गाड़ी से देखें तो सेम उसके जैसा ही दिखता है। इसकी कैपेसिटी 70 किलोमीटर A1 चार्ज में है और ये चार्जिंग कुछ 4 घंटे 4.5 घंटों में लगभग। अगर स्पीडोमीटर को अब अगर हम देखेंगे तो इसमें पूरा डिजिटल दिया हुआ है और वही पुराने जो पुराने चेतक में जो जो हमको दिखता था वही सेम राउंड शेप में दे रखे हैं। इसमें कुछ मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में बताऊँ तो ये बूट के लिए है, सिंगल टैप में फ्रंट बूट खुलेगा, एक टैप लॉन्ग प्रेस टैप में बूट स्पेस बड़ा वाला खुलेगा। ये रिवर्स मोड है, रिवर्स मोड में आपको प्रेस करके रखना है तो रिवर्स होगा। ये ड्राइविंग मोड है और यही ऑन और ऑफ का ऑन का सिस्टम है और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री वाला स्टार्ट इंजन स्टार्ट का यहाँ पे है। ये ड्राइविंग मोड है, ये डालने के बाद ही ड्राइव आगे जाएगी एक्सीलेटर। ओला में क्या होता है हमें एक्सीलेटर को पीछे करना पड़ता है तो पीछे जाती है, फ्रंट करते हैं तो फ्रंट में जाती है, तो वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें सबसे एक और सबसे खूबसूरत चीज़ है जो लड़कियों के लिए, अगर आप इंडिकेटर लेफ्ट दे रहे हो तो फिर ये लड़कियाँ क्या होती भूल जाते हैं, तो फिर उनके लिए अगर जब लेफ़्ट मुड़ गए तो फिर जब वापस सीधी होगी तो ये इंडिकेटर देना बंद हो जाएगा, तो ये एक फंक्शन अच्छा डाला है। इसमें लो बीम हाई बीम दोनों सिंगल इसमें इस बटन में लो बीम हाई बीम है, हेडलाइट, लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न काफ़ी क्वाइट है, ये म्यूज़िक प्लेयर्स म्यूज़िक के लिए है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, नेविगेशन सिस्टम दिखाता है, नोटिफिकेशन आता है, कॉल का नोटिफिकेशन है, मैसेज नोटिफिकेशन भी स्क्रीन में सब कुछ बताता है और काफ़ी मुझे बेहतर, इसलिए मैं इसको अगर मैं ओला से कंपेयर करूं तो ये वाला स्पेस सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ रख पाते हैं। ओला में इस जगह में कव सेव आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे हम कुछ रख नहीं पाते और वो लुढ़क जाता है, उसका बेस नहीं बन पाता, तो यहाँ पे हम कुछ भी स्पेस रख सकते हैं। गाड़ी अभी न्यूट्रल मोड में है और अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टैंड को हटाना पड़ेगा, जब तक स्टैंड नहीं हटाएंगे ये चालू नहीं होगी और चालू करने के लिए सेम ड्राइविंग मोड वाला प्रेस करके रखेंगे तो चालू अब चलती है, तो इतनी सॉफ्ट सी मुझे फील आती है
वेट भी इसका नॉर्मल जैसा दिखता है। गाड़ी इतनी हैवी नहीं है, बट स्मूथनेस बहुत अच्छी है अगर मैं दूसरी गाड़ी से कंपेयर करूँ तो। काफ़ी कंफर्टेबल है और ड्राइविंग आप मूवमेंट वाइज, हैंडल वाइज, कंट्रोल वाइज, ओवरऑल वाइज अच्छी गाड़ी है, आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इस गाड़ी को, आप ले सकते हैं। बाकी दूसरी कंपनियों से मैं इसको बेटर परफॉर्मेंस गाड़ी कहूँगा। बस इसमें सिर्फ एक माइनस पॉइंट यही है कि इसमें दो मोड है, स्पीड मोड और स्पीड मोड में इसकी हाईएस्ट रेंज 70 किलोमीटर पर आवर और 70-80 के आसपास, इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड नहीं है। स्पीड दो ही ड्राइविंग मोड है, नॉर्मल और स्पोर्ट, दोनों में सेम रेंज देता है। बट ओवरऑल नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ये मुझे लगता है इसका जो अपग्रेड वेरिएंट होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। बट इसकी ऑन रोड प्राइस कुछ 158 ऑन रोड प्राइस है और अलग अलग स्टेट में 2-4 हज़ार ऊपर नीचे।